नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपेश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्नो इच्छवाकु चैनल। इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज सब कर दोस्तों, iOS 16.3, आईफोन के अलावा iPadOS 16.3, WatchOS 9.3, TVOS 16.3, MacOS 13.2, HomePodOS 16.3 एक साथ रोल आउट किया है सभी डिवाइसेज में। आज हम बात कर रहे हैं iPadOS 16.3 के कुछ फीचर्स के बारे में, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। दोस्तों, इस iPad में iPadOS 16.3 का अपडेट आया था 500.8 MB का, जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं है। और इसके अगर iPad के सिस्टम डेटा की बात कर लें तो 2.5 GB, और iPadOS का 8.79 था, जो कि अपडेट करने के बाद iPadOS 8.8 GB और सिस्टम डेटा 3.24 GB हो गया। इसमें अपने iPad Pro में 16.3 का स्टेबल अपडेट इंस्टॉल कर लिया हूँ और यूज़ किया हूँ, एक दिन पूरी तरह से इसको यूज़ किया हूँ। क्या क्या नए नए चेंजेज आए हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये मेरा iPad Pro वाईफाई वर्जन है, तो इसमें इमरजेंसी SOS में जो iPhone में जो फीचर्स हैं इसमें नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपका iPad Pro जो है या कोई भी iPad जिसमें वाईफाई वर्जन नहीं है, सेलुलर वर्जन है, तो उसमें आपको वो फीचर्स देखने को मिल जाएगा। आप अगर iOS 16.3 वाले वीडियो देखना चाहते हैं, यहाँ पर जो आई बटन है उसमें आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं, आपको वहाँ एक दिन पहले का वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों, पहले चेंजेस की बात करते हैं, जो कि बहुत बड़ा चेंज किया गया है। पिछली बार मैं वीडियो में बताया था एडवांस डेटा प्रोटेक्शन। अब कहाँ जाइएगा, कहाँ से आपको मिलेगा, तो आप अपने सिंपली एप्पल आईडी वाले सेक्शन में जा करके आप देखिएगा, एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा यहाँ पर एडवांस डेटा प्रोटेक्शन। यहाँ पर जो है पहले लिखा हुआ रहता था कि आपके एरिया में, आपके कंट्री में ये अवेलेबल नहीं है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन अब यहाँ देखिए, और यहाँ पर जो था टर्न ऑन एडवांस डेटा प्रोटेक्शन का भी ऑप्शन हाइड था, लेकिन अब ये ऑप्शन जो है अनहाइड हो गया है। अब इसको हम लोग टर्न ऑन कर सकते हैं। अब हमारे देश के लिए भी ये डेटा प्रोटेक्शन इनेबल कर दिया गया है। और जितने भी ये जो डिवाइसेस दिख रहे हैं, जैसे मैसेज बैकअप हो गया, आई क्लाउड ड्राइव हो गया, नोट्स हो गया, फोटोज हो गए, सफारी, ये सब जितने सीरीज जैसे ऐप्स है, इसको आप एंड टू एंड इनक्रिप्ट कर सकते हैं और अपने ही डिवाइसेज में डिक्रिप्ट करके, जो कि आपके ट्रस्टेड डिवाइसेज रहेगा, उसको आप यूज कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी के लिहाज से एक कदम और इनहेंस हो गया है। दोस्तों, अगर दूसरी चेंज की बात करें तो इसी सेक्शन में आपको जाना पड़ेगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में, और वहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐड सिक्योरिटी कीज। नई चीज ला करके बहुत अच्छा किया है। आप इसमें आप अपने जो कीज हैं, आप एप्पल्स कीज है या कोई भी कीज जो यूज करते हैं, उसके द्वारा आप अपने iPad को सिक्योर कर सकते हैं। आप अगर ये कीज परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जरूर परचेज करें, वहां से आपको डायरेक्ट लिंक दे दिया गया है। तो चलिए इसकी बात करते हैं। तो ये जो है अभी मेरे पास है नहीं, मैं भी इसको लेने वाला हूं। इसके बारे में अगर और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप लर्न मोर करके आप वहां से जाकर के ले सकते हैं। नेक्स्ट चेंज की बात करें तो आपके iPad के नेटवर्क इश्यूज को सोल्व कर दिए गए हैं। अगर आपके जो सेलुलर वर्जन है उसमें अगर नेटवर्क संबंधित कोई इश्यूज आ रहे थे, 16.2 में थोड़ा सा बग्स था, उसको फिक्स कर दिया गया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक एंड शेयर जरूर करें, और इसी तरह के वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। दोस्तों, नेक्स्ट चेंज की बात करें तो वो है आपके शॉर्टकट ऐप में। अगर आप देखिएगा तो कुछ थोड़े से चेंजेस किए गए हैं। ऐड शॉर्टकट में जाइएगा, उसके बाद न्यू शॉर्टकट में जाइएगा, तो ये जो आइकन्स हैं ये आपके आईफोन में भी चेंज किए गए हैं। ये आइकन थोड़ा सा चेंज कर गया है, कुछ कुछ बदलाव आया है, कुछ ऊपर है, कुछ नीचे है। तो आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं पहले कैसा था और अब कैसा है, पहले और अब में क्या अंतर है, थोड़ा सा आप देखिए, दोनों स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। तो बस यही छोटी मोटी चेंजेस थे। थोड़ा सा इस अपडेट में देखते हैं, कुछ गेम चला करके देखते हैं, जो भी मोस्ट पॉपुलर गेम्स है उसको प्ले करके देखते हैं कि क्या लैग करता है या नहीं, कैसा चलता है। तो सबसे पहले सबसे जो बड़ा गेम है ये लगभग 3 या 3.5 GB का आता है, ये कार रेसिंग, इसको हम लोग प्ले करके देखते हैं। तो देख रहे हैं कि क्या क्वालिटी है इसका। ये सेंसर वाला गेम है तो आईपैड को इधर उधर करना ही पड़ेगा, नीड फॉर स्पीड के जैसा नहीं है कि उसी से करना है, ये मेरे से आगे नहीं जा सकता है। एक जमाना था जब हम लोग 13 या 14 में मोबाइल हुआ करता था, उस समय इतना हार्ड कोर GPU और इतना रैम वाले सिस्टम नहीं हुआ करते थे, तो छोटे छोटे गेम्स खेला करते थे, तो उसमें भी बहुत ही पहले ये सब जो गेम था वो सिस्टम पर खेला करते थे, खास करके नीड फॉर स्पीड का बहुत बड़ा क्रेज था। तो हम लोग ये गेम पूरा कर लिए हैं, चलिए एक और देखते हैं।
दोस्तों अब टेम्पल रन थोड़ा सा खेल के देख लेते हैं। टेम्पल रन का भी अलग क्रेज था एक जमाने में, तो देखिए। और ये खेलने में मुझे बहुत ही मजा आता था। वाओ, कोई लैग नहीं है, बहुत ही अद्भुत मजा आता है। आईपैड में अगर आप गेम खेलते हैं तो आपका पैसा वसूल होने वाला है। इसकी जो क्वालिटी है और इसकी जो स्मूथनेस है, अलग लेवल की चीज़ है। पैसा वसूल हो जाता है। तो देख सकते हैं कितना फराटेदार चल रहा है। जब तक नहीं ये मैम मुझे खाएगा तब तक मैं खेलूँगा। आप अगर ओहो, बात करने के चक्कर में ये हो गया, आ गया पीछे से दानव। आप अगर दूसरा गेम देखना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसमें भी मैं एक दूसरा गेम प्ले करके दिखाया हूँ। ओह माय गॉड, देखिए ये चला गया। चलिए इसको एंड करते हैं और नेक्स्ट गेम है वो सबवे सर्फ। ये जो है बहुत ही पॉपुलर गेम है, इसको भी चला प्ले करके देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, इसमें भी वही है, फॉलो करना है। बहुत ही मजा आता है इस गेम, कौन नहीं खेला होगा इस गेम को। वाह वाह वाह, ओ ये रह गया, कोई बात नहीं, आगे से मैं ले लूंगा। तो कमेंट्स में जरूर बताएं दोस्त कि कौन कौन इस गेम को खेले हैं और इसके प्रति। वाह, ये चाबी मैं ले लूं, ओहो कोई बात नहीं। तो जैसा कि मैं बोल रहा था कि आप कमेंट्स में जरूर बताएं कि कौन कौन है जो इस गेम को खेले हैं और किनको बहुत ज़्यादा पसंद है। एक ज़माना ऐसा था कि ओ चला गया, क्योंकि आप जैसा देख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। आगे मैं एक दूसरे वीडियो में बताऊंगा इसका बैटरी ड्रेनिंग इशू कि कितना बैटरी ड्रेन करता है ये अपडेट। इस अपडेट से हम लोग को बैटरी के बारे में क्या मिला है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों इस पार्टिकुलर अपडेट में इतना ही था और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।